क्वेश्चन नंबर वन, यदि 3a बराबर 4b और 2c बराबर 3b तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा? देखिए ध्यान से, दिया गया है 3a बराबर 4b। यहाँ से आप लोग a अपान बी ये निकाल सकते हैं, क्या आएगा 4/3। और दिया गया है 2c बराबर 3b, ठीक है। यहाँ से आप लोग b/c भी निकाल सकते हैं, b/c क्या आएगा 2/3, ठीक। यानी कह सकते हैं a रेशियो b ये आ चुका है 4:3 और b/c 3। आप लोगों को निकालना है a/b/c का मान, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले a/b 4:3 है, उसके बाद b/c 2:3 है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, b के नीचे b और c के नीचे c। अब देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसमें 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, 8:6:9, ठीक है। ये रेशियो क्या बनेगा, 8:6:9। फिर से देख लीजिए 4:3 ये और 2:3, ठीक है। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, a/b और नीचे b/c, ठीक है। गुणा कैसे करेंगे, b का c से, b का b में, a का b से, ठीक है। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 3 का 2 में 6, 4 का 2 में 8, 8:6:9 ये बनेगा। बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे, 8:6:9। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। a/b 5:2, b/c का मान 8:9, a/b/c पूछा गया है, ठीक है। a/b, ठीक है, और b/c ये दोनों दिया गया है, तो b का c में गुणा करेंगे, b का b में, a का b से, तो ये निकल जाएगा a/b/c का मान। तो a/b ये दिया गया है 5:2, b/c, ठीक है। a/b/c का मान कैसे निकालेंगे, a/b 5:2 और b/c यानी b के नीचे b का मान और c के नीचे c का मान, ठीक है। अब गुणा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 5:2 8:9, 2 का 9 में गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 18, 2 का 8 में गुणा करेंगे 16, यहाँ पे गुणा कर देंगे 40, 40 16 18, ठीक है। 40 16 18 है, 2 से काट देंगे, ये क्या आ जाएगा 20 8 9। रेशियो क्या बनेगा, 40:16:18, 2 से काट देंगे 20 8 9। गुणा कैसे करेंगे, 2 का 9 में, 2 का 8 से, 5 का 8, ठीक है, 20:8:9, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर तीन, यदि संख्या 2076 को 1/3:3/5:5:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग के बीच अंतर, तो यहाँ पे 2076 को किस अनुपात में विभाजित किया गया है, 1/3:3/5:5:7, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3, 5, 7 का एलसीएम ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका 105। अब क्या करिए, 105 से इन सभी में गुणा कर दीजिए, 105 का इसमें भी करेंगे, 105 का यहाँ पे भी और 105 का यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब हल करेंगे तो ये नया रेशियो बनेगा 35:63:75, ठीक है। 2076 को किस रेशियो में बांटा गया था, 1/3:3/5:5:7, तो अब नया रेशियो क्या आ गया है, 35:63:75, ठीक है। यानी 2076 को 3 हिस्से में बांटा गया है, तीनों का अनुपात क्या है, 35:63:75, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो सबसे छोटा भाग कैसे निकलेगा, 2076 का 35/ क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, 35+63+75, सबसे छोटा भाग क्या होगा, 35/35+63+75, ठीक है। यानी 35/173 सबसे छोटा भाग इस प्रकार निकलेगा, तो ये आ जाएगा आपका
काट देंगे, यहाँ पे 12 बार जाएगा, ये आ जाएगा आपका 420। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे छोटा भाग। ठीक है, सबसे बड़ा भाग यहाँ पे देखिए 75 है, तो 2076 का 75/173 यहाँ से 12 बार जाएगा, ये आ जाएगा आपका 900। ठीक है, ये आ गया सबसे बड़ा भाग। तो बड़ा भाग 900 और छोटा भाग 420, दोनों में अंतर पूछा गया है। तो हो जाएगा 900-420, ठीक, 900-420 ये आ जाएगा आपका 480। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है 1870 को 3 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग का आधा हिस्सा, दूसरे का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 हिस्सा बराबर है, तो तीसरा हिस्सा क्या है। ठीक है, 1870 को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो मान लीजिए वो तीनों हिस्से हैं एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड के अनुपात में। ठीक है, तीनों हिस्से कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड। अब देखिए प्रश्न के अनुसार कहा क्या गया है, पहले भाग का आधा हिस्सा, तो पहले भाग का आधा हिस्सा ये बराबर है किसके, दूसरे भाग के 1/3 और तीसरे का 1/6, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 यानी जेड 6। ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लीजिए इसके बराबर के है, तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा 2k, वाई का मान आ जाएगा 3k, जेड का मान आ जाएगा 6k, सभी का मान निकल गया। अब चूंकि 1870 को 3 भागों में बांटा गया था एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये किसके बराबर आएगा, 1870, तो एक्स वाई जेड इन तीनों का मान तो निकल गया है 2k+3k+6k बराबर 1870। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 11k=1870, तो यहाँ से k का मान निकल जाएगा 170, k का मान निकल गया, k का मान आपका आ चुका है 170। ठीक है, तो आप लोगों को तीसरा हिस्सा निकालना है यानी z का मान, z का मान क्या है आप लोगों का, 6k का मान। ठीक है, 6k यानी 170 × 6। ठीक है, 0, 6 × 7 = 42 और यहाँ पे 10 यानी 1020, तीसरा हिस्से का मान क्या है, 1020। क्वेश्चन नंबर 5, तीसरा प्रश्न देखिए, राकेश अमन विकास का वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 25%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या है। ठीक है, वेतन का अनुपात पहले दिया गया है 1:2:3, अब उनके वेतन में वृद्धि होती है तो नया अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पे 3% है राकेश अमन विकास। ठीक है, इनके वेतन का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में, तो मान लीजिए राकेश का 100 है, अमन का 200, विकास का 300, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, राकेश का वेतन 100 रुपये, अमन का 200, विकास का 300। ठीक है, अब उनके वेतन में 25%, 10%, 20%। ठीक है, उनके वेतन में क्रमशः 25%, 10%, 20%। तो सबसे पहले राकेश है, इसमें क्या होता है, 25% की वृद्धि। ठीक है, राकेश के वेतन में 25% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका 125। अमन, अमन के वेतन में 10% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 220, निकाल सकते हैं आप लोग 200 का 10%। ठीक है, काट देंगे, 20 20 कट जाएगा यानी 20, यानी 20 की वृद्धि, तो 200+20 तो 220 हो जाएगा। ठीक है, अमन के वेतन में 10% की वृद्धि, 220 हो गया, विकास के वेतन में 20% की वृद्धि है, तो ये क्या हो जाएगा, 360। ठीक है, 300 का 20% निकालेंगे, 60 आएगा, तो 360 हो जाएगा। ठीक है, अब उनका नया वेतन क्या हो गया, 125, 220 और 360, तो इनका नया अनुपात निकालना है, 5 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 44, ये आ जाएगा आपका 72, 25:44:72। तो देखिए ध्यान से, डी वाला ऑप्शन सही है इसमें, 25:44:72।
तो ये हो गए पांच क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड। ये सभी प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।